क्या हाल है। तो वापस आ गया हूं मैं अपने नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले कोरोना वायरस के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात समझाना चाहता हूं कि यार कोरोना वायरस कोई भूत नहीं है जो आप लोग झाड़ फूक कराने जा रहे हो। और यार जिसने भी यह बात कहा है ना वो सही कहा है कि इंडिया में कुछ फैले या ना फैले लेकिन अंधविश्वास पहले फैल जाता है। और भाई लोग वो कोई भगवान भी नहीं है जो आप लोग भोग चढ़ा रहे हो। क्या चढ़ा रहे हो? भगवान को जो भोग चढ़ाते हैं, प्रसादी, प्रसाद, टाइटल वाला नहीं, खाने वाला प्रसाद। ओ अच्छा। और यहाँ के लोग इतने कंजड़ेंगे, प्रसादी चढ़ेंगे 5 रुपए का, लेकिन गिफ्ट मांगेंगे भगवान से 50,000 रुपए वाला। मादरचोद के बच्चे। और कोई मुझे बताएगा कि यहाँ के लोग को ऐसा क्यों लगता है कि भगवान पैसे लिए बिना कोई काम ही नहीं करेंगे? बताओ यार, यहाँ पे ये लोग भगवान को घूस को पुलिस ऑफिसर समझते हैं जो पैसे लिए बिना कोई काम ही नहीं करेगा। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और भाई लोग कोरोना वायरस कोई इंसान ये सम्मान नहीं है जो आप लोग गो कोरोना बोल के उसे बॉयकॉट कर रहे हो। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो यही सब बात मेरे को आप लोगों को बताना था। अब आते हैं आज की इस वीडियो पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इंडिया में जब से कोरोना वायरस फैला ना तब से लोग इतने डरे हुए जिसका कोई हद नहीं है। मतलब क्या, लोग मुंह से मास्क ही नहीं हटा रहे हैं, चाहे वो दिन हो, रात हो, हक रहे हो, मूत रहे हो, मुंह से मास्क नहीं हटा रहे हैं। अब उसी दिन का मेरा बात ले लो, मैं नारियल पानी पीने गया, मैंने एक इंसान को देखा वो स्ट्रॉ को मास्क के अंदर डाल के नारियल पानी पी रहा था। अब यार उसको देखने के बाद मुझे एक फिल्म का याद आ गया, लिपस्टिक अंडर माई बुरखा। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। और इसी मास्क पहनने की वजह से पुड़िया का सेल इतना ज्यादा बढ़ गया जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब क्या, ना बाप को पता चल रहा है कि बेटा पुड़िया खा रहा है, ना बेटा को पता चल रहा है कि बाप पुड़िया खा रहा है, क्योंकि दोनों जन 24/7 मास्क पहन के घूम रहे हैं। लेकिन जब तुम उन लोगों का मास्क हटा के देखोगे ना तो अंदर इतना लाल कि ऐसा लगेगा कि ये लोग खून की खांसी खांस रहे हैं। चल बजड़ी के। और कुछ लोगों को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लॉकडाउन चल रहा है कि फॉकडाउन चल रहा है, वो लोग तो बाइक चालू करके मजे लेने निकल जाते हैं। और उन लोगों के पास करने को तो कुछ होता नहीं है, तो जाके पुलिस वाले से मजे लेते हैं। पुलिस वाले से कुछ दूर खड़ा होकर बाइक का रेस देते हैं। अबे साले, पुलिस वाले ने किसी दिन पकड़ लिया ना तो इतना मार मारेंगे अगले दिन बाइक में नहीं लोटे में नजर आओगे तुम सब। इसीलिए चुपचाप घर में बैठो। और जिन जिन लोगों को भी लोटे वाला जोक समझ आया ना, तुमसे पहले लाइक मारो। हाँ मारो मारो लाइक मारो। अब यार मैं मजाक नहीं कर रहा यार, लाइक मारो पहले, क्योंकि तुम सब बाद में तो लाइक मारते नहीं हो। हमारो तभी जाके वीडियो ही आगे बढ़ेगा। हाँ मार दिया। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यार 22 तारीख का आप लोगों को जनता कर्फ्यू तो याद ही होगा। तो 21 तारीख को मैं दारू दुकान के बगल से जा रहा था, तो वहाँ पे इतना भीड़ था कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। आप लोग को एक टाइम को चाइना वाला जाम भी छोटा लगेगा, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ था। अगर आप मुफ्त में भी कोई सामान बेचोगे ना तो भी इतना ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होगा जितना ज्यादा भीड़ दारू दुकान में था। और वहाँ पे लोग कतई कबीर सिंह बन के एक एक पेटी दारू लेके जा रहे थे, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग इंसान भी लेके जा रहा था। तो मैंने उनसे पूछ लिया, क्या चाचा एक महीने का राशन भरा रहे हो क्या? तो वो क्या बोलते हैं मुझे, अपना काम कर रहा। चलो छोड़ो यार, ऐसा तो लाइफ में होता रहता है, क्या कर सकते हैं। तो यार अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, और मुझे पता है कि ये वीडियो छोटा बनेगा। तो हम लोग एक ऐसा जगह गाना सुनने वाले हैं जो यार इंसानों को खत्म करने में अपना सहयोग देती हैं। उनका नाम है ढिनचक चक पूजा। नाच के पागल। तो इनका एक ब्रांड न्यू गाना आया है, ब्रांड न्यू तो नहीं है, पुराना हो गया थोड़ा सा, लेकिन मैं काम चला लूंगा, तो उसको भी शुरू करते हैं। मेरे बाबू ने ताना खाया। देखो लड़कियों, तुम लोग को ढिंचक पूजा से कुछ चीज सीखना चाहिए। तुम लोग फोन में पूछते हो अपने बॉयफ्रेंड से कि खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन ढिंचक पूजा को देखो, वो फेस टू फेस पूछती है। लेकिन यार ढिंचक पूजा ने इसमें ये बकचोदी कर दी कि वो खुद नहीं गई लड़के के पास, लड़के को बुलाया, बोला आ मुझे बता कि तूने खाना खाया या नहीं खाया। और एक बार उस लड़के को देखो, इतना दूर से आया बताने के लिए, लेकिन ढिंचक पूजा ने उससे ना चाय पूछा ना पानी पूछा, उल्टा उसके खांसने में उसे लात मार के निकाल दिया। बता यार उस लड़के में क्या बीत रहा होगा अभी। भाई लोग इसे कुछ भी बोलो, लेकिन इसका तक बॉयफ्रेंड है, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं यार किसी को फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट तक भेजता हूँ ना तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है, और अगर गलती से एक्सेप्ट हो भी जाता है तो वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है। अब यार बहन, जब तुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं करना था तो एक्सेप्ट क्यों की फ्रेंड रिक्वेस्ट।
करोना करोना काम ही करोना दुआ ही करना किसी को ये होना। जब ये दोस्त या रिश्तेदार हद से ज्यादा हो तो उनके इस्तेमाल कैसे करना है वो ढिंचक पूजा को अच्छी तरीके से पता है। एक बार उसका बॉयफ्रेंड को देख लो, देखो कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहा है। वो यार चाइनीज में कह रहा है, सॉरी चाइनीज बोलो पब्लिक मारी, हाँ जापानीज में कह रहा है, यहाँ आने से अच्छा मैं कोई काले कुत्ते से गांड बना रहा होता ना तो वो ज्यादा अच्छा होता। और एक बार तुम उस बच्ची को देखो, तुमको उसको देख के क्या लगता है सही से बताओ? नहीं पता तो तुम लोग उसके एक बार हाथों को देखो, ये लोग उसको डेंजर का साइन बना के रखे हैं। इसको देखने के बाद कौन कह सकता है कि ढिंचक पूजा क्रिएटिव नहीं है? इससे ज्यादा क्रिएटिविटी किसी में हो नहीं सकता। नहीं यार तुम ही लोग मुझे बॉलीवुड में कोई एक इंसान बता दो जिसमें इतना ज्यादा क्रिएटिविटी हो। तो बस यार इस गाने में बोलने के लिए और कुछ नहीं है, और जो भी कुछ था वो ऑलरेडी सारे रोस्टर लोग कवर कर चुके हैं। और मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि इस गाने से रिलेटेड एक न्यूज है कि जब से ये गाना अपलोड हुआ है ना तब से इसके बैकग्राउंड आर्टिस्ट सब लापता है। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक करना, नीचे कमेंट करना तो एकदम मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा मैं अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी मुश्किलों के धागे सुलझते नहीं, हमारे सपनों के बादल क्यों बरसते नहीं, समझ तारों में से भी कोई समझता नहीं, पीछे से आलू डालने पे सोना निकलता नहीं।